या देवी स्वर बुद्धिषु कुष्मांडा देवी संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्र के 14 दिन दुर्गा माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। इस दिन इनकी आराधना करने से माँ मन चाहा फल देती हैं। नवरात्रि में 9 दिन देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 4th दिन माँ कुष्मांडा को पूजा जाता है। माँ ने अपनी मंद मुस्कान से जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, उसमें उजाला किया था, इसलिए इनको कुष्मांडा के नाम से बुलाया जाने लगा। माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है? माँ कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में कमंडल, 6 हाथों में शस्त्र और 1 में जप माला होती है। माँ कुष्मांडा को कुमड़े यानी कि कद्दू अति प्रिय होता है। माता कुष्मांडा को हरा रंग बेहद प्रिय है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने से माँ प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ का प्रिय भोग क्या है? माँ कुष्मांडा को मालपुआ बेहद पसंद होता है, इसलिए इनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर न्योछावर करती हैं। कुष्मांडा माँ का मंत्र क्या है? माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए या देवी स्वर भूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का 14 दिन यानी कि आपने माता की स्तुति की है, माता को खुश करने के लिए कई प्रकार के तामझाम किए हैं, व्रत रखा है, माता को उनकी मन पसंदीदा चीज से भोग लगाया है। उम्मीद करती हूँ माता रानी आपके घर में ढेरों खुशियां दे, आपके घर में बरकत हो, आपके बच्चों का, आपके माता पिता का हमेशा भला हो। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रोचक जानकारी और वीडियो सुनना देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी सी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।